ओके, आर यू गाइस रेडी? चले शुरू करते हैं। ध्यान देना, कल का रिविजन किया क्या? बुक भी खोला क्या जीवन में जाके? ऐसा हुआ कि बुक पड़ी थी खिड़की से हवा आई, अपने आप बुक खुल गया। तुम जैसे बच्चों के लिए कल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर हाउ टू ओपन बुक का ट्यूटोरियल डाला है कि बुक कैसे खोलते हैं। जिनको मूड नहीं हो रहा कृपया वो देखे, ठीक है? इट विल बी बेटर फॉर यू। कुछ भी सवाल पूछते हैं, सर बोले पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा, बुक ओपन करने की इच्छा नहीं हो रही, बुक कैसे खोले? सो मैंने बताया कि राइट हैंड लीजिए, कवर पेज टर्न कीजिए, ऐसे बुक खुलती है करके। चलिए स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। आर यू गाइस रेडी? एवरीबॉडी यस और नो? सो ओके, हर हर महादेव मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था सिलेबस क्या है, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग लिया था कि व्हाट इज लॉ, और फिर हमने अंडरस्टैंडिंग लिया था पैरामीटर्स जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है। याद आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। ओके, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? लॉ क्यों बनाया जाता है? बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन लॉ को डिमांड करता है, इसलिए लॉ बनाया जाता है, सिंपल एज दैट। दूसरी बात इसके बाद में कि सिचुएशन लॉ डिमांड करता है, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे क्या? यस, कौन कौन से एग्जांपल देखे थे? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, दूसरा डायरेक्ट पोटा, बीच में भी कुछ था ना, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 वाला, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 वाला, एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट दैट इज 2002 वाला। मैंने सबके रीजनिंग्स दिए थे आपको, बोलो हाँ ना। अभी आपके सिलेबस के नहीं है, पर हमारे कंसेप्ट और न्यू को बनाने बोले बहुत काम के लॉज है, ठीक है? ये होने के बाद में हम गए थे अगले पैरामीटर के ऊपर कि लॉ बनाने के लिए चार फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं। कौन से चार फैक्टर्स होते हैं बोले एक बार? सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एंड इथिक्स। याद है इसमें से कौन से दो लिखने पड़ते हैं? सेफ्टी एंड बेनिफिट। और कौन से दो अज्यूम्ड होते हैं? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। सेफ्टी और बेनिफिट में से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेफ्टी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सबको क्लियर है गाइस? बोलो हाँ या ना। चलो आज मैं आगे बढ़ू, चलेगा सबको? चलिए, आज का लेक्चर भी बेसिक लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया में समझ में आया? थैंक यू सो मच। आई मीन टू से इंडिया में लॉ बनता कैसे है, इंडिया में लॉ बनता कैसे है? ये तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, सेल ऑफ कुछ पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, ये तो अंग्रेजों के जमाने के लॉज हो गए कि अंग्रेज चले गए पीछे तीन लॉज छोड़ गए तुमको टॉर्चर करने के लिए। बोलो हाँ या ना। पर मुझे बताओ कंपनीज एक्ट तो 2013 है, ब्लू टिक नो रिप्लाई, तो बोलो हाँ। सो कंपनीज एक्ट तो 2013 है, एलएलपी एक्ट 2008 है, चलो निगोशिएबल 1881 भी अंग्रेजों के जमाने का लॉ है, आई एक्सेप्ट। पर कंपनीज एक्ट और एलएलपी अगर अभी के लॉज है तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, इसको पास इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में किया होगा? बोलो हाँ या ना। कैसे पास किया? पार्लियामेंट, खत्म, गेम ओवर। कैसे पास किया? पार्लियामेंट। अरे ये लिखोगे जीवन में तुम? ले चलो ये सवाल कभी तुमको आएगा नहीं एग्जाम में, खुदा ना खास्ता ना आए, पर तुमको पूछा हाउ लॉ इज पास्ट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव आंसर कैसे देना तुमसे पूछे, वो भी विदाउट मल्टीपल चॉइस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस टू पास द लॉ, नीचे आंसर पार्लियामेंट, फुल स्टॉप। प्लीज टेल मी, प्लीज एनीवन कैन एक्सप्लेन मी द प्रोसेस? पहले पिटीशन डायरेक्ट, अरे पिटीशन कोर्ट में होता है, लॉ तो बनने दो। हाँ यस, उधर से किधर से हाथ रेज हुआ था नादान सा? हाँ पहले हाउस वन, किसका हाउस? अरे
हाउस क्या? हाँ ऐसा बोलना तू भाई, मेरे को हिंदी मराठी सब चलेगा। अपन मराठी मीडियम से एकदम, मुदलकर पेट महिला मंडल प्राथमिक शाला, तो अपने को दोनों लैंग्वेज समझती, मराठी भी और हिंदी भी, तो तुम हिंदी मराठी यूज करो ऐसा कुछ। सी इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है? तेरी भावना मेरे तक पहुंचानी, और मेरी भावना मतलब ओके। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ? ऑब्वियसली जैसे भाई ने बोला कि पहले पार्लियामेंट में पास होगा, ए पहले हाउस में जाएगा फिर दूसरे हाउस में जाएगा। हाउस में जाने के पहले भी कुछ प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है? ओके, एनीवन मोर? मेंबर ऑफ काउंसिल्स, तो हाउस ही हुआ, और कोई? ड्राफ्ट इज मेड, गुड। हाँ यस, भाई ने एकदम शॉर्टकट, पहले ड्राफ्ट बनता है, बिल पास होता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का साइन बन गया, बोले आगे बढ़ो नेक्स्ट चीज पढ़ाओ तो। ओके फाइन, ये चीज जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं डजेंट सीम लाइक सुपर यू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल नहीं, बट लेट मी टेल यू वन सिंगल थिंग, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एटलीस्ट ये चीज जब आज आप पढ़ोगे, हो सकता है आज के लेक्चर में तुमको एक मार्क भी ना मिले, बट आई विल श्योरली टेल यू विथ 100% ऑफ बिलीफ एंड द कॉन्फिडेंस कि जो प्रोसेस मैं आपको बोल रहा हूं उससे मैं पूरा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम आपके सामने खोल के रख दूंगा, और मैं पॉलिटिकल सिस्टम जो खोल के रख दूंगा एट द सेम टाइम मैं लॉ की सिस्टम भी खोल के रख दूंगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया की लॉ की सिस्टम ये जुदा नहीं हो सकती। सर कुछ भी बोल रहे हो, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है पर कुछ भी बोल रहे हो, तो लेट मी टेल यू, देश चलाती है जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी, जोर से बोलिए, देश चलाती है जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी, बोलो हाँ या ना। देश चलाने के लिए रूल्स की जरूरत है, रूल्स मतलब लॉ होता है, तो देश चलाती है जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी बाय पासिंग अ लॉ। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। सो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आप इस देश में जीत चुके हो और आपको 140 करोड़ की जनता को मैनेज करना है, तो विदाउट फ्रेमिंग अ रूल्स ये मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर आप रूल बना रहे हो तो आप लॉ ही बना रहे हो ना। एंड दैट इज वाई कौन सी पार्टी रूलिंग है, क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, कौन सी पार्टी पक्ष में है, कौन सी पार्टी विपक्ष में है, ये जाने बगैर आप ये नहीं बात कर सकते कि भाई साहब लॉ किसके फेवर वाला है या लॉ किसने पास किया। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल फैक्ट, टू लिसन टू दिस ऑल्सो यू रिक्वायर अ गुड पॉलिटिकल एक्यूमेन, ठीक है? The Companies Act 2013 is passed by Congress government. The chairman, while passing a Companies Act 2013, was Sachin Pilot, who is a MP, the member of parliament from the Congress party for the Lok Sabha. Congress party ke Ministry of Corporate Affairs ke chairman Sachin Pilot ne Companies Act 2013 pass kiya tha. एंड यू सी 2014 में बीजेपी इलेक्शन जीत गया, कंपनीज एक्ट पास किया है कांग्रेस ने, इंप्लीमेंट पूरा बीजेपी कर रहा है पिछले 10 साल से। सो एक्ट इज पास्ड बाय द कांग्रेस, रूल्स आर मेड बाय द बीजेपी, अनेकता में एकता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। नाउ टेल मी, जिसको देश चलाना है, 140 करोड़ की जनता को चलाना है, जिसको 15,30,000 कंपनीज को कंट्रोल करना है, उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स तो पास करना पड़ेगा ना बेटा, एंड दैट रूल्स आर कॉल्ड एज लॉ, एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज से विदाउट लॉ यू कैनॉट गवर्न अ कंट्री। Are you understanding? Without law, you cannot govern a country itself. You cannot form a government itself. अगर आप law के through election जीत के नहीं आते तो, you
यू कैन नॉट सेपरेट अ लॉ पासिंग सिस्टम विथ अ पॉलिटिकल सिस्टम, दे आर बाउंड टू गो टूगेदर। तो अगर मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं आपको लॉ पासिंग सिस्टम समझाऊंगा, तो आई बाउंड टू टेल यू हाउ द इंडियन पॉलिटिक्स वर्क्स। और अगर मैंने आपको यह समझाया कि व्हाट इज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टुडे, यू बाउंड टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ पास, हाउ द लॉ इज पास्ड इन इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे बोलो हाँ या ना। सो हम प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं, पर सही सवाल सही जवाब के लिए पूछना जरूरी है। व्हेन आई से हाउ लॉ इज पास्ड इन इंडिया, उसके पहले भी एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर इन इंडिया। क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉज ही नहीं पता होंगे तो आपको प्रोसेस ही नहीं पता होगा। आपको टाइप्स ऑफ लॉ ही नहीं पता तो आपको प्रोसेस ही नहीं पता उसको पास कैसे करना है। क्योंकि इंडिया में लॉ पास करने के तीन प्रोसेस है, दो वेज है, तीन प्रोसेस है। सो इफ यू डोंट नो इटसेल्फ अबाउट द कैटेगरीज ऑफ लॉ, आप लॉ पास करना तो बहुत दूर की बात है। और उसके ऊपर भी तड़का इस बात का है कि लॉ पास करने का पावर दिया किसने और किसको दिया और कहां लिखा है। अगर लॉ पास करने का पावर पार्लियामेंट में, जैसे उस भाई ने बोला, इस भाई ने बोला, उस भाई ने बोला, सब बोल रहे पार्लियामेंट पार्लियामेंट, किधर लिखा है पार्लियामेंट ने करना है? किधर मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकते? किधर लिखा है पार्लियामेंट नहीं करना चाहिए? और क्यों हम ये माने कि पार्लियामेंट नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को पता पसंद है मोदी सरकार, कुछ को नहीं पसंद। तो जिनको नहीं पसंद मोदी सरकार वो बोल रहे हमको नहीं पसंद, हम नहीं मानेंगे। ऐसा चलेगा क्या रे? मानना ही पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो किधर लिखा, किधर है कि लॉ पार्लियामेंट में ही पास होना चाहिए? देयर शुड बी समथिंग। बोलो किधर लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? सी बच्चों, लॉ में जाना है ना तो इसके पहले ये सब पावर पैक, पूरा रिसोर्सेस का बैग लेके जाना है। जंगल में घुस रहे हो बिना टॉर्च के, वो भी रात को 12 बजे, कन्फर्म डस के जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो ये सर। नो, सो प्राइमरीली अंडरस्टैंड कि लॉ कितने कैटेगरीज के होते हैं और पावर कहां से आता है। ठीक है, एक फ्रेश पेज लीजिए, फ्रेश पेज, आधा अधूरा नहीं, बिल्कुल भिखारीगिरी करना मत। मैं बहुत रुक रहा था खुद को, भिखारी बनना है, ज्ञान के बनो। ठीक है, पेजेस वेजेस गए 4-5, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत अच्छे से लिखो। ऐसा लिखो कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ो तो आपको उसके अंदर कोई पॉइंट्स ऐड करने हो तो आपके पास स्पेस बचे। नहीं तो ऐसा कि नया चार्ट शुरू होता है नीचे के 4 लाइन में लिखता है नालायक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज हाउ टू पास द लॉ इन इंडिया, हाउ टू पास लॉ इन इंडिया। इंडिया में लॉ किस कदर पास किया जाता है? ठीक है, सवाल लिख लिया सबने, बोलो सुनो। पर इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड सवाल आएगा, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर, कितने कैटेगरीज के लॉज होते हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर, कितने कैटेगरीज के लॉज होते हैं? ये दो क्वेश्चन हम अभी एंटरटेन करें, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। तो सबसे पहली बात, इंडिया के सभी लॉज का जनक है, इंडिया के सभी लॉज का जो जनक है, सोर्स ऑफ एवरी लॉ, सोर्स ऑफ एवरी लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या लिख बाजो से? इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन COI इज अ सोर्स ऑफ एवरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप कभी गूगल करोगे तो यू विल फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स है। कितने आर्टिकल्स है बोले एक बार? 448 इफेक्टिव आर्टिकल्स, ये 370 35 वगैरह निकालने के बाद राइट नाउ 444 आर देयर। 444 आर्टिकल इफेक्टिव माने जाते हैं, 448 इज अ नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार, सुनो। 448 आर्टिकल्स में से
इफ वी रीड आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 245, इट सेज दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर have power to pass the law, pass the laws in India or state respectively. To pass the law in India or the state, केवल एक बार जो से respectively, parliament या state legislature के पास power है कि वो India या state के अंदर क्या pass कर सकता है, बोले एक बार जो से law. ये आर्टिकल 245 में लिखा है. इसका मतलब अब यह हुआ कि हमें एक ऐसी चीज मिल गई जहां कहीं पर स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई साहब इंडिया में लॉ पास करने का पावर पार्लियामेंट के पास है. सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो. ठीक है, तो हमें पावर मिल गया, अभी पता चल गया कहां पे पास होना है. पर मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट में कितने होशियार लोग बैठे रहते हैं ना, बोलो हाँ या ना. दो चार तो ऐसे कि जो खुद कुछ बोलते उनको ही नहीं समझ में आता. अरे है ना, हाँ है ना. आधे तो ऐसे जो चौथी पास पांचवी पास है, ठीक है, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है. तुमको सीरियसली लगता है कि पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 से लेकर 470 तक सब पढ़ा है, या इनकम टैक्स पूरा पढ़ा है उन्होंने, या जीएसटी पूरा पढ़ा है? जीएसटी खुद निर्मला मैडम नहीं पढ़ पा रही जीवन में क्या बना के रखा है. बाकी तो छोड़ दो सबके सब, बोलो हाँ या ना. तो ये लोगों के बस की बात नहीं है बेटा ये डिसाइड करना कि कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, इनके बस की बात नहीं है ये. कल जाके आप किसी पॉलिटिशियन को बोलोगे, जो पॉलिटिशियन कुछ कविता ववीता करते हैं, मले दाखवा नोट आणि मी देतो वोट, तो तुम्हें क्या लगता है इन पॉलिटिशियंस को अगर आप ये बोलोगे कि कल कंपनीज एक्ट अमेंड करना है, आर यू सीरियस, इनको समझ में आएगा कि क्या अमेंड करना है? आर यू सीरियस, समझ में आएगा इनको? ऑब्वियसली नॉट. तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जो वन ऑफ द वेरी लर्नेड पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उनको यह समझ में आ गया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं बना रहा हूँ तब तक ठीक है, आगे आने वाली जनता बहुत खतरनाक हो सकती है. तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तभी दिमाग लगा लिया. वो आदमी कितना फोरसाइटेड था आपको समझ में आएगा. उन्होंने 245 के बाद एक नया आर्टिकल डाला 246 और लिखा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाना चाहती है ना, तो उन्होंने लॉ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाना चाहिए जो सब्जेक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिस्ट में लिखे हैं. बोले तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, जितने मैंने लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हैं उसी के ऊपर लॉ बनेगा, दैट शीट. क्योंकि उनको भरोसा भी नहीं था कि पॉलिटिशियन कौन सी चीज के ऊपर लॉ बनाएंगे. कल जाके इन्होंने लीगलाइजेशन ऑफ ब्राइब एक्ट बना दिया, लीगलाइजेशन ऑफ ब्राइब एक्ट, कि घूसखोरी को चलो लीगल कर देते हैं. ऐसा इन्होंने लॉ पास कर लिया. कर सकते हैं जीवन में, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएंगे अगर ये 246 आर्टिकल नहीं होगा तो. So 246 कहता है द लॉज शॉल बी मेड, द लॉज शॉल बी मेड एज पर द सब्जेक्ट्स गिवन, एज पर द सब्जेक्ट्स गिवन इन शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 में जो हमने सब्जेक्ट्स लिखे हैं उन्हीं चीजों के ऊपर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है. तो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिस्ट बना दे दी भाई साहब कि भैया हम जो बोलेंगे उसी के ऊपर. अब जैसे इन्होंने शेड्यूल 7 का जिक्र किया, तो शेड्यूल 7 जब आप ओपन करके देखोगे ना, तो आपको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से ध्यान देना, स्पेसिफिकली शेड्यूल 7 में ही आपको तीन टाइप के लिस्ट दिखेंगे. स्पेसिफिकली शेड्यूल 7 में ही आपको कितने टाइप्स के लिस्ट दिखेंगे? तीन. सबसे पहली लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, दूसरे लिस्ट को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और तीसरे लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट.
मतलब ये वो लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। सबसे पहला लिस्ट है, सबसे पहला कौन सा लिस्ट बोले एक बार, यूनियन। दूसरा लिस्ट कौन सा है, स्टेट। और तीसरा लिस्ट कौन सा है, कॉन्करेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट और व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लॉ? एनीवन कैन टेल मी? यूनियन लॉ का एक और नाम आप बहुत प्यार से ले सकते हो, सेंट्रल लॉ। स्टेट इज अ स्टेट लॉ, कॉन्करेंट इज अ कॉन्करेंट लॉ। ठीक है, व्हाट इज यूनियन लॉ या सेंट्रल लॉ? एप्लीकेबल टू, सब जन बोलेंगे एप्लीकेबल टू। सो यूनियन या सेंट्रल लॉ इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, होल इंडिया, पूरे इंडिया को जैसा का वैसा अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख इज नाउ यूनियन टेरिटोरीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? सो यूनियन और सेंट्रल लॉ इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, द स्टेट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट स्पेसिफाइड, एंड कॉन्करेंट लॉ इज एप्लीकेबल टू सेंटर मतलब इंडिया एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल टू द स्टेट एज पर देयर चॉइसेस। एज पर देयर क्या अप्लीकेबल जो से चॉइसेस, वो जो चूज करेंगे उसके हिसाब से। लिख लिया सबने? जोर से बोले सर ना, एवरीबडी बोलो हाँ या ना। ओके, मेरा एक सवाल है, एनी एग्जाम्पल ऑफ यूनियन लॉ यू कैन टेल मी? जीएसटी इज यूनियन लॉ, कंपनी इज एक्ट 2013। मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में कंपनी बने या कन्याकुमारी में कंपनी बने? कहां कंपनी बने? जम्मू कश्मीर। या कहां बने? कन्याकुमारी। तो मुझे एक सवाल का सिंपल जवाब देना, जम्मू कश्मीर में बने या कंपनी कन्याकुमारी में बने? क्या कंपनीज एक्ट अलग अलग लगेगा या एक ही लगेगा? जोर से बोलो, अलग अलग या एक ही लगेगा? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किधर भी कंपनी बनाओ इंडिया में, इवन तुम इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी कंपनी बनाओ, बॉम्बे हाई, सुना होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन का यूनिट है अरब सी में, बॉम्बे हाई, तुम टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर भी अगर कंपनी बनाओ तो क्या कंपनीज एक्ट अलग अलग तरीके से लगता है या एक ही कंपनीज एक्ट लगता है? सो पूरे इंडिया में अगर कोई लॉ एक जैसा एप्लीकेबल होता है, कैसा एप्लीकेबल होता है, एक जैसा, तो उस लॉ को हम बड़े प्यार से कहते हैं सेंट्रल और यूनियन लॉ। हम उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल और यूनियन लॉ, द लॉ विच इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनी स्टेट इज कॉल्ड यूनियन और सेंट्रल लॉ। इनकम टैक्स एक्ट, सबको इनकम टैक्स एक जैसा लगता है, जम्मू कश्मीर का बंदा भी उतना ही टैक्स पे करेगा जितना कन्याकुमारी का पे करेगा, अगर दोनों का इनकम सेम है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उधर सेवन सिस्टर में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम से लेके इधर राजस्थान और गुजरात तक के हर बंदा सेम टैक्स पे करेगा अगर सबका इनकम सेम है तो, कोई डिफरेंशिएशन स्टेट के हिसाब से नहीं हो रहा। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो यूनियन लॉ का हम एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं, सब जन कोट कर सकते हैं, दैट इज हमारे सिलेबस का हम लिखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 इज अ यूनियन लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इज ऑल्सो यूनियन लॉ, LLP एक्ट 2008 इज ऑल्सो यूनियन लॉ, फॉर दैट मैटर आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट भी यूनियन लॉ ही है। एक्चुअली अगर मैं आपको एक चीज सच्ची वाली बताऊं तो आपके सिलेबस के नॉर्मली 100% 99.99% आर लॉज आर यूनियन लॉज, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल फॉर दिस कंट्री, आप इस देश के प्रोफेशनल बनने वाले हो। तो अगर आप आज पुणे में पास होके कल जाके जम्मू एंड कश्मीर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमको एक ही लॉ पढ़ाना चाहिए ना भाई। जोर से बोले सर नो। तो तुम्हारे सिलेबस के सभी 99.99% लॉज ये कौन से है? बोले एक बार जो से यूनियन टिल फाइनल लेवल, मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, टिल फाइनल लेवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि पूरे देश के कंसल्टेंट तुम बनने वाले हो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। एनी स्टेट लॉ यू नो? गुजरात में लिकर बैन है, ड्राई स्टेट बोला जाता है, बोलो हाँ या ना। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, ना 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 है, नो वन विल मेक एन ऑब्जेक्शन। तुम स्प्रे पेंटिंग इधर उधर देखते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑन है, ठीक है। महाराष्ट्र में, बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता उनको, खुद को यकीन नहीं होता जिस दिन लॉ पास किया, समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना। तो मुझे एक बार बताओ, गुजरात और बिहार में लिकर बैन होने की वजह से पूरे देश में हो गई क्या? कुछ स्टेट तो सिर्फ लिकर के भरोसे पे चल रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र वहां तीर्थ सस्ता मिलता है ना, सो गोवा, अरे बोलो हाँ या ना। तो स्टेट लॉज आर लाइक गुटखा बैन, लिकर बैन, समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना। आपने सुना होगा हर एक स्टेट का पुलिस अलग होता है,
ब्लू टिक नो रिप्लाई। हर एक स्टेट का पुलिस अलग होता है, सुना है आपने? हर एक स्टेट का ट्रैफिक पुलिस अलग होता है, सुना है आपने? अरे बोलो हाँ या ना। हर एक स्टेट में लॉटरी अलग से खेली जाती है, कुछ स्टेट में लॉटरी बड़े शर्राश तरीके से चलती है, जैसे गोवा में कसिनोस चलते हैं, देखा है आपने? बोलो हाँ या ना। महाराष्ट्र में कसिनोस चलते हैं क्या? नहीं, उसका अनऑर्गेनाइज इलीगल वे चलता है, वर्ली मटका। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, ड्रीम इलेवन सट्टा ही तो है, लीगलाइज्ड वे में है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दीज आर लिकर वगैरह हो गया, पुलिस सर्विसेज हो गया, दीज आर ऑल स्टेट लॉज। दीज आर ऑल कौन से लॉज बोले एक बार? स्टेट लॉ, जो हर एक स्टेट खुद के हिसाब से डिसाइड कर लेता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले एक बार ये सुनो। लास्ट वाला, व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ? व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ एनीवन? ओके, अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जैक्टली कॉन्करेंट लॉ नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है 246A। पर अब इसके सिवा तुमको कॉन्करेंट लॉ जैसा कोई दूसरा एग्जांपल पता ही नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूं। ठीक है, मैं आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस बोल सकता हूं, पर उससे आपका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा है तो मैं आपको कैसे समझाऊं कॉन्करेंट लॉ क्या होता है? तो इसलिए मैं सिमिलर सी चीज बोल रहा हूं, पर याद रखना यह कॉन्करेंट लॉ नहीं है। एक बार सब जन बोलो, ये कॉन्करेंट लॉ नहीं है पर सिमिलर है। होटल में खाना खाने गए हो, होटल में, अरे खाया नहीं खाया तो होटल में खाना खाया तो एक तो बिल देना पड़ता है, नहीं तो बर्तन घसना पड़ता है। जब बिल आता है तो बिल के ऊपर 2% लिखे होते हैं, बिल के नीचे CGST SGST। क्या होता है वो CGST SGST? सेंट्रल GST और दूसरा कौन सा? स्टेट GST, 2.5%, 2.5%। तो GST इज अ काइंड ऑफ कॉन्करेंट लॉ, क्योंकि आपको शायद नहीं पता वो CGST 2.5% है ना, वो जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा या कम कर सकती है। मतलब स्टेट का हो सकता है 2.5% ही रहे, पर मोदी सरकार कल आके बोल सकती है मित्रों कल से जो तुम खाना खाने वाले हो हमारे तरफ से फ्री, कि हम उसके ऊपर सेंट्रल जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 2.5% जो है ना आपके बिल का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को जा रहा है, और जो बचा हुआ 2.5% है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड को जा रहा है। किसको जा रहा है बोले एक बार? स्टेट गवर्नमेंट। तो कल जाके मोदी सरकार ने बोला कि हमको सेंटर में बहुत पैसा ही है, 2.5% होटल बिल के ऊपर का नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? कल जाके स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये 2.5% से हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमको 10% करने का है, सेंटर का रहने दो 2.5%, CGST 2.5%, SGST 10%, तो कर सकता है SGST 10%। पर प्रॉब्लम ये है, ऐसा कभी कोई करेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जिस दिन स्टेट सेंटर के रेट के अबव चल जाएगी, उसके नेक्स्ट इलेक्शन में स्टेट चुन के ही नहीं आएगी। समझ रहा हूं पॉलिटिकल कनेक्शन? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो इस वजह से मैं यहां ये लिख रहा हूं सिमिलर लॉ। कौन सा लॉ बोले एक बार? जो सिमिलर लॉ GST 2017। क्या हो गया? सिलिमर, सॉरी माय मिस्टेक, अपना इंग्लिश एकदम कल ही बोला मैंने, डीके इंग्लिश। सिमिलर लॉ GST 2017 लिए लगा। जोर से बोले सर ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। सर तुम बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी पढ़ा दिया करो जीवन में। चार्ट बनवा दिया, इसका लिस्ट भी, 7 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े बड़े वर्ड यूज करे, तुमको कुछ लगता नहीं क्या? चलो दिखा देते हैं। ठीक है, नहीं देखा होगा तो लेट्स ट्राई कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि दर्शन सर से फेंक रहे, बड़ी बड़ी हाक रहे हैं। आयु गई जिरेडा? अरे बोलो ना, बोलो हम्बा। लेट्स गो। दिस इज 7th शेड्यूल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नीचे ब्रैकेट में लिखा है आर्टिकल नंबर 246, लिस्ट 1 का नाम दिया है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज है। जोर से बोलो कितने एंट्रीज है? 97 एंट्री। एंट्री मतलब सब्जेक्ट्स, कि कितने सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, ऐसे 97 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स है। आज मैं कल का एक डॉट भी कनेक्ट कर दूंगा। मैंने कल आपको बोला था लॉ बनाने के लिए 4 पैरामीटर्स लगते हैं, कौन कौन से? जोर से बोलो कौन कौन से? सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स। बोलो हाँ ना। कौन से 2 अज्यूम्ड है?
नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स ये क्या है बोले एक बार अज्यूम कौन से दो लिखने पड़ते हैं सेफ्टी और बेनिफिट अच्छा इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मतलब सेफ्टी फर्स्ट अरे बोलो हाँ या ना क्या ना इसे सेफ्टी फर्स्ट पहले लॉ का नाम पढ़ो डिफेंस दूसरे लॉ का नाम पढ़ो नेवल मिलिट्री एयर फोर्स तीसरा 2A डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस चौथा डिलिमिनेशन एंड कंटोनमेंट एरियाज नेक्स्ट नेवल मिलिट्री एयर फोर्स वर्क्स आर्म्स फायर आर्म्स एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज डिक्लेरेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI प्रिवेंशन एंड डिटेंशन वाला लॉ डिफेंस के लिए फॉरेन अफेयर्स वाले मैटर्स ठीक है फॉरेन अफेयर्स में अभी अभी आपने सुना होगा गल्फ कंट्रीज ने इंडिया के कितने तो भी नौजवान जो उन्होंने काबिज करके रखे थे उनको छोड़ दिया अजीत दोवल नेक्स्ट डिप्लोमेटिक काउंसिलर ट्रेड अजीत दोवल ही है या कोई और है अजीत दोवल ही है ना ओके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर प्रोबेबली हाँ या तो फिर वो रॉ का एजेंट है दोनों में से एक कंफर्म है नीचे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अब आप देखिए ये जितने भी लॉज आप पढ़ रहे हो ना ये सब डिफेंस से रिलेटेड है मतलब सेफ्टी से रिलेटेड है आप आ जाइए नियरली 19th नंबर के लॉ पे 19th तक के सब सेफ्टी की बातें चल रही है सब बातें सेफ्टी की इमीडिएटली 20 नंबर पढ़िए पिलग्रिमेज मुझे तो पिलग्रिमेज वेदर इज अबाउट सेफ्टी और बेनिफिट जोर से बोला अबाउट सेफ्टी और बेनिफिट इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहली चीज क्या सेफ्टी फिर हम काय की बात करते हैं बेनिफिट आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जोर से बोले एक बार सर नो फिर इस चीज को आप देखते जाइए उसके बाद सब बेनिफिट वाला पिलग्रिमेज उसके बाद में क्राइम कमिटमेंट हाई सीज वगैरह का रेलवेज हाईवे शिपिंग मैरिटाइम लाइट हाउस पोर्ट्स पोर्ट्स एयरवेज एयरक्राफ्ट कैरिएज पोस्ट प्रॉपर्टी सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो आपके बेनिफिट के लिए काम में आते हैं सर इतना तुम प्रपंचा दे रहे हो बताओ कंपनीज एक्ट 2013 काय में आता है तो ये लो एंट्री नंबर 43 एंट्री नंबर 44 सब्जेक्ट नंबर 43 सब्जेक्ट नंबर 44 डॉक्टर जी अच्छे से बोल के गए हैं कि कंपनीज एक्ट कौन सी चीज नाउ इमेजिन 1950 में वो आदमी ने ये सोच लिया था कि इंडिया में कंपनी बनेगी तो कहां पे बनेगी 1950 आर यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड तो क्या लेवल का एक्यूमेन होगा उसका इंटेलिजेंस कि हैज ऑलरेडी डिफाइंड कि नेक्स्ट 100 ईयर्स में लगने वाले लॉस क्या क्या है ठीक है 43 पढ़ के देखिए इसके अंदर आपका कंपनीज एक्ट इवन LLP भी इसी में बना है ऑल कॉर्पोरेट लॉज आर मेड हियर सब जन साथ में पढ़ेंगे 43 वाला रेडी 1 2 3 बोलो क्या है इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट डज नॉट इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके बैंकिंग कंपनीज भी यहीं पे बने HDFC बैंक ICICI बैंक जो आप बैंकिंग रेगुलेशन में बनाते हो वो भी कंपनीज एक्ट में ही बने बिकॉज वी से HDFC बैंक लिमिटेड बोलो हाँ या ना सो 43 44 दोनों कंपनीज के बैंकिंग रेगुलेशन का सेपरेटली एक्ट बनाना है एंट्री नंबर 45 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंट्री नंबर 46 इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंट्री नंबर 47 सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एंट्री नंबर 48 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंट्री नंबर 49 एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट एंट्री नंबर 50 ऐसे सो एंड सो फार आप 97 एंट्रीज तक के हर लॉ का नाम ले सकते हो लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है इज इट वेरी क्लियर जैसे मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर द यूनियन लॉ कितने सब्जेक्ट्स है 97 कुछ अमेंड हुए हैं कुछ डिलीट हुए हैं कुछ नए ऐड हुए हैं डिजिट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना 97 इज द लास्ट एक बार सब जन बोलो 97 इज द लास्ट फिर हम स्टेट लिस्ट में जाएंगे अगेन आप देखिए स्टेट लॉ भी बना रहे हैं ना तो सेफ्टी फर्स्ट और आप पहले लॉ का नाम पढ़ के देखिए पब्लिक ऑर्डर पुलिस उसके बाद में ऑफिसर्स प्रिजंस रिफॉर्म्स ये सब चीज देखो ना फिर उसके बाद में 6 पॉइंट से इमीडिएटली वो चेंज हो जाते हैं बेनिफिट के ऊपर हेल्थ पिलग्रिमेज ये जो गुटखा और लिकर बैन करने वाला लॉ है ना एंट्री नंबर 8 इंटॉक्सिकेशन ऑफ द लिकर दैट इज टू से द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पोजिशन ट्रांसपोर्टेशन परचेस और सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं जोर से बोले एक बार आपके जितने भी वाइन शॉप के लाइसेंसेस होते हैं महाराष्ट्र में वाइन शॉप के लाइसेंसेस 10-10, 20-20 करोड़ रुपए में बेचे जाते हैं एक लाइसेंस 10-10, 20-20 करोड़ में बेचा जाता है वही अगर आप स्टेट के बाहर जाओ ना तो आपको कर्नाटक वगैरह गोवा में तो ऐसे दिन दहाड़े लाइसेंस मिल जाएगा आज अप्लाई करो कल मिल जाएगा दुकान डाल के बैठ जाओ गोवा में
वही अगर आप केरला में जाओ ना, तो केरला में नॉर्मल इंडिविजुअल वाइन बेच ही नहीं सकता, लिकर बेच ही नहीं सकता, केरला में सिर्फ गवर्नमेंट ही लिकर बेचता है। गवर्नमेंट बोलता है हम किसी को बेच नहीं देंगे, खुद ही बेचेंगे। हाँ, दीज आर डिफरेंट लॉज, दिस इज अंडर इंटॉक्सिकेशन लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जोर से बोले सर ना। ऐसे आप बस बनाते रहिए तो स्टेट में कितने आ सकते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर हाउ मेनी एंट्रीज, बोले एक बार जो से 66 एंड देन देर स्टार्ट अ कॉन्करेंट लॉ। कॉन्करेंट लॉ टोटल नंबर ऑफ एंट्री सेम, डिफेंस वाले सेफ्टी वाले फर्स्ट, बेनिफिट वाले बाद में, एंड ऑफ द लिस्ट इज एट द 47 नंबर सब्जेक्ट्स। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ लॉ पास्ड इन इंडिया। अनलेस एंड अंटिल यू नो द कैटेगरीज, हाउ वुड यू नो हाउ टू पास द लॉ? Are you understanding what I'm trying to say? जोर से बोले सर नो। तो आपके चार्ट के अंदर वापस आ जाइएगा, वहां पे अपन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिख के रखेंगे, सो दैट यू शुड रिमेंबर देम। तो लिखना यहां पे 97 सब्जेक्ट्स, यहां पे लिखिएगा 66 सब्जेक्ट्स, यहां पे लिखिएगा 47 सब्जेक्ट्स। Guys done? अरे बोलना हाँ या ना। Everybody is clear about this? सबको categories of law समझ में आ गया पक्का? जोर से बोलो हाँ या ना। अब हम जाएंगे law pass करने के process पे। Law pass करने की जो process है, इसी के नीचे आप add up कर सकते हो। जो central और union law है, वो central process से pass होता है। कौन से process से बोले? बाजू से central process, जिसको parliamentary process कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बोले एक बार, उसे पार्लियामेंट। जो स्टेट लॉ है, लिखते जाइए, जो स्टेट लॉ है वो स्टेट प्रोसेस से पास होता है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद एक्सेट्रा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्करेंट लॉ पहले सेंट्रल प्रोसेस से जाता है, सेंटर ने पास करने के बाद ये वापस से स्टेट प्रोसेस से जाता है। पहले सेंट्रल प्रोसेस से जाएगा, सेंट्रल ने पास करने के बाद वापस से स्टेट प्रोसेस से जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोले यस और नो। एवरीबॉडी यस और नो? चलो अब शुरू करते हैं हम प्रोसेस के साथ। इतना लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना। चलिए शुरू करते हैं, फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं उस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ टू पास अ लॉ का प्रोसेस। सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, अदरवाइज तुमको बिल्कुल भी तमद में बोलो। समझ में आएगा क्या? नहीं, ठीक है? मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूं, ठीक है? थके थके से क्यों लग रहे हो तुम ऐसे कि आत्मा बस शरीर छोड़ने के बॉर्डर पर खड़ी है, कि थोड़ा इधर उधर हो गया तो कूद ही जाएगी? मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, फोकस, थोड़ा दम लगाओ, थोड़ा आगे बढ़ो। आर यू गाइस रेडी? भारत माता की हाउ इज द जोश? वन डे साइमन, लेट्स गो। बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले प्रोसेस शुरू कर रहे हैं हाउ टू पास अ लॉ। हाउ टू पास अ लॉ के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस है, पहला है सेंट्रल प्रोसेस, दूसरा है स्टेट प्रोसेस। टाइप्स ऑफ लॉ तीन भी क्यों ना हो, पर हमारे पास दो ही प्रोसेस है। पहला कौन सा है? सेंट्रल, दूसरा है स्टेट। लिखना नहीं है, पहले समझा दूं, ठीक है? इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम आने वाले 2024 के इलेक्शन में तुम सबको पता है कि मोदी की गारंटी आने वाली है। अरे बोलो ना, तो क्या तुम्हें आने वाले इलेक्शन के समय में पापा के साथ बैठ के डिस्कस करना है नहीं करना है? नहीं, ये लेक्चर देखने के बाद में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तुम घर वालों के साथ बैठ के एग्जिट पोल और इलेक्शन के बहुत मजे ले सकते हो, सिर्फ अगर आप ध्यान दो तो। खास करके लड़कियां जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कौन इलेक्शन काय का एग्जिट पोल, इसका एग्जिट किधर से है सर? ठीक है, सो फोकस। सेंट्रल और स्टेट प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोई भी लॉ पास करने के पहले सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग में हम सबसे पहले बिल बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, बोले एक बार उसे बिल। सवाल उठता है लॉ का ड्राफ्ट या लॉ का बिल कौन बना सकता है, क्या तुम बना सकते हो? नो सर, कि यस सर। सो तुम बिल बना सकते हो, तुम बिल बना, मैं बना सकता हूं, अपन सब मिलके, पर अपना कोई सुनेगा क्या? बनाने के लिए तो बना देंगे, उधर सुनना चाहिए ना। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय अरविंद केजरीवाल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जब वो कुछ नहीं थे, ही वॉज नॉट इन टू पोलिटिकल सिनारियोज और पोलिटिकल बैकग्राउंड, तब उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया था। जब तुम पैदा हुए थे, जस्ट पैदा हुए थे, 2008-09 की बात होगी, हाँ, तो 2008 तक जैसे बहुत ही अक्कल आ गई थी तुमको। सो जस्ट बोला ना पैदा हुए थे करके, ठीक है। सो अरविंद केजरीवाल जी ने लोकपाल बिल बनाया था एंटी करप्शन के लिए, जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था। देखा, मैंने बोला था ना जस्ट पैदा हुए थे करके, तुम एक ने भी हाँ नहीं बोला। हाँ मतलब मालूम भी है कि अन्ना हजारे कौन है करके। तो 2008 में जब तुम छोटे बच्चे थे, छोटी चड्डी बड़ी शरारत थे, उस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जी को सामने करके उनसे अनशन करवाया और लोकपाल बिल पास करवाया था, जिसका ड्राफ्ट उन्होंने खुद बनाया था जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे। एट दैट टाइम अरविंद केजरीवाल हैड एंट्री इन द पॉलिटिक्स एंड राइट नाउ ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इस चक्कर के अंदर। सो अगर आप कोई लॉ का ड्राफ्ट बनाना चाहते हो तो कोई भी बना सकता है, प्रोवाइडेड थोड़ा पॉलिटिकल पावर चाहिए, नहीं तो अन्ना हजारे चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार, सुनो। सो ड्राफ्ट जो किया जाता है उसे बिल कहा जाता है, पार्लियामेंट में पास होने के पहले बिल, पार्लियामेंट में पास होने के बाद एक्ट, पार्लियामेंट में पास होने के बाद केवल एक बार उसे एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर ये बिल रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने, और अगर स्टेट बिल है तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। पार्लियामेंट मतलब व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट जहां लोग झगड़े वगड़े करते हैं, पार्लियामेंट जहां पे नोटों के बंडल निकाल निकाल के घूस दे या ले ली ऐसा बहुत कुछ दिखाते हैं, पार्लियामेंट जहां पे बैंक हुए साइट्स को खुद ही खोल के देखते हैं, पार्लियामेंट जहां पे क्या ही बोले अब जीवन में। अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट में ये लॉ रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन, और पार्लियामेंट के बाद ये ओपन होता है रीडिंग करने के बाद, मतलब पार्लियामेंट में लॉ रीड किया जाएगा और उसके बाद ये ओपन होता है पब्लिक कमेंट्स के लिए। काहे के लिए बोले बाजू से? पब्लिक कमेंट्स। डू यू नो दैट इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लाया, राइट? बोलो हाँ या ना। एक्चुअली इट इज अमेंडमेंट टू द एक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। तुम्हारा जो सिलेबस चेंज होता है ना, वो एक्चुअली ICAI एक्ट 1949 के अंदर अमेंडमेंट बोला जाता है, और ये पार्लियामेंट पास करता है। तो तुम्हारा जो सिलेबस है ना, वो पार्लियामेंट ने पास किया है। सर मैं तो इतना सीरियसली नहीं ले रहा था इसको ना। तुम्हारा एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है और ये पब्लिक कमेंट के लिए ओपन होता है। ये पता है न्यू सिलेबस आने के पहले नियरली दिस लॉ वॉज ओपन फॉर द पब्लिक कमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। समझ में आ रहा है? पर पब्लिक पागल होती है, पब्लिक कुछ भी लिख सकती है। CA फाउंडेशन से चारों सब्जेक्ट हटा दो। कुछ भी कमेंट हो सकता है। एक हाथ दिल जला रहा तो वहां पे सोनम गुप्ता बेवफा है। यस और नो? बहुत कैजुअल तरीका है लॉ पास करने का। यस और नो? सो कुछ भी कमेंट कर सकती है, दैट्स व्हाई वी नीड अ फिल्टर। तो पार्लियामेंट के बाद में ये लॉ जाता है स्टैंडिंग कमेटी के पास। किसके पास जाता है? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी आर द प्रोफेशनल्स जो लॉ को फिल्टर करके, कमेंट्स को फिल्टर करके, उन कमेंट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो कमेंट्स सच में कुछ काम के होते हैं, जिनमें सच में कुछ वर्थ फाइल होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपनीज एक्ट का स्टोरी बोलू साइड बाय साइड, लिख के मैं बाद में दूंगा, आप सिर्फ देखिए, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो बिल है ना, वो बिल फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में रखा था 2008 में।
2008 वॉज द फर्स्ट बिल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो रीअमेंड होके पार्लियामेंट ने तुच्छ तरीके से हकाल दिया इसको. 2009 में वापस पुट किया गया, 2010 में वापस पुट किया गया, 2012 में आखिरी बार पुट किया, और तुम्हारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है दैट इज नथिंग बट कंपनीज बिल 2012. इट वॉज अ कंपनीज बिल 2012 पास्ड इन 2013, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013. Are you understanding what I am trying to say? जोर से बोले सर. नो, इसको फर्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट में रखा था तो इसको रीड किया था पार्लियामेंट में सचिन पायलट जी ने. कौन बोले एक बार जो से? सचिन पायलट, अ चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट दैट टाइम, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी फ्रॉम द कांग्रेस, एमपी फ्रॉम द क्या बोले एक बार जो से? कांग्रेस गवर्नमेंट. फिर उसके बाद में इसको पब्लिक कमेंट के लिए ओपन करने के बाद इसके लिए 5 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी, 5 डिफरेंट कमिटीज फॉर 1 कंपनीज एक्ट, जिसमें से 2 कमिटी इंटरनेशनल लेवल की थी, और वो 2 कमिटीज के नाम थे, 1 इज कॉल्ड कोहेन कमिटी, 2 इज कॉल्ड कैडबरी कमिटी. 1 इज कोहेन कमिटी, 2 इज कैडबरी. यस, इट इज द सेम कैडबरी जिनके नाम पे कैडबरी इंडस्ट्रीज चलता है, चॉकलेट वाला. क्लियर है? इट इज द सेम कमिटी जो कैडबरी कंपनी की चलती है, बिकॉज दोज आर कॉल्ड एज द रूलर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वर्ल्ड मैप. क्लियर है? उनकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सबसे अच्छे पैरामीटर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करती है, ऐसा कहा जाता है. और फिर उसके बाद में 3 नेशनल कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी कंपनीज एक्ट को ठीक करने के लिए, सबसे इथिकल कंपनीज. सबसे पहले कुमार मंगलम बिरला कमेटी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन. उसके बाद में नारायण मूर्ति कमेटी, इंफोसिस के चेयरमैन. और उसके बाद में सर जे ईरानी कमेटी, टाटा ग्रुप के वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स. ये 5 कमिटीज की प्रस्थापना करके आपके कंपनीज एक्ट का अप्रूवल लिया गया था, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री लोगों के बस की बात नहीं है कि एक बहुत अच्छे टेक्निकल लॉ के अंदर पार्लियामेंट कोई सजेशन भी दे पाए. सब गधे घोड़े बैठे वहां पे. समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? तो यू नीड अ एक्सपर्टीज नॉलेज जो इन लोगों के पास है. Are you understanding? इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पूरा एक्सपर्टीज नॉलेज लाने के लिए नारायण मूर्ति को बुलाया गया. रिटेल इंडस्ट्री का पूरा एक्सपर्टीज नॉलेज लाने के लिए कुमार मंगलम बिरला को बनाया गया. कुमार मंगलम बिरला इज द रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. यस, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. घर पे कितना भी पैसा रहा तो उनके बाप ने उनको सीए करवाया. आदित्य बिरला वॉज अ रिचेस्ट पर्सन, कितने इंडस्ट्रीज नाम पे थे, बट ही स्टिल पुट हिज सन इन टू अ कोर्स, सीए कोर्स. व्हाई? बिकॉज हिज सन शुड बी सो नॉलेजेबल दैट ही कैन हैंडल द इंडस्ट्री इंडिपेंडेंटली, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु इज चेयरिंग एंटायर आदित्य बिरला ग्रुप. Are you understanding what I am trying to say? जोर से बोले एक बार, yes or no? And third is J.J. Irani Committee. He is representative of the investors area. और इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए entire Companies Act was filtered. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? एक बार act filter हो गया तो यह वापस से आता है पार्लियामेंट में, और अब इस बार यह जब पार्लियामेंट में आता है तो यह पार्लियामेंट के 2 houses में fall होता है. 2 हाउसेस पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा. अगर ये स्टेट में फॉल हो रहा है तो स्टेट के 2 हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं विधानसभा, और दूसरा हम कहते हैं विधान परिषद. विधान परिषद, और इधर हम कहते हैं लोकसभा, और क्या कहते हैं? राज्यसभा. इनको और भी नाम है, जैसे लोकसभा को वी कॉल हाउस ऑफ पीपल द हॉप, एंड राज्यसभा को वी कॉल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल हॉस्क. इट इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये इनके अलग अलग नाम है. लोकसभा इज ऑलवेज कॉल्ड एज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज ऑलवेज कॉल्ड एज द अपर हाउस. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट. सर, काला पॉलिटिक्स भैंस बराबर, क्या फर्क है दोनों में? सर नाम अलग है, क्या फर्क पड़ता है लोकसभा की राज्यसभा की, क्या है इन फलना डकना? तो आज डिफरेंस समझिए. माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ये जहां बैठते हैं उसे हम लोकसभा कहते हैं. तुमने सेंट्रल इलेक्शन में मोदी जी को चुनवा के जब दिया 300 सीट के ऊपर, दैट वॉज अ इलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज अ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट. यू आर सिलेक्टिंग द
देश की सरकार। और जहां पे तुमने तो नहीं पर इस राज्य के लोगों ने 2019-20 में सिलेक्ट किया था, सॉरी हा समझ ही नहीं आ रहा कौन है चीफ मिनिस्टर। सो 2020 में अगर आपने गौर किया होगा तो तुमने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए शिवसेना और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने के लिए अलाउ किया था देश की राज्य की पब्लिक ने। एट दैट टाइम बीजेपी एंड शिवसेना वॉज द युति एंड देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी टुक अ ओथ फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप, जिसके बाद में उनको बहुमत स्पष्ट करने के अंदर वो हार गए क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब चले गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। बोलो हाँ या ना। तो देवेंद्र फडणवीस ने बाद में बोला था मी येणार पुन्हा येणार, और पुन्हा तो ऐसे आए वो अरे रे 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 रे। फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बने 2.5 साल के लिए। जब उनका खत्म हो गया 2.5 साल तब उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप में से एकनाथ शिंदे जी गट वाला बाहर निकल गया, बोले काय झाड़ी काय डोंगर काय होटल ओके याद है। बोलो हाँ या ना। और वो ज्वाइन कर लिए देवेंद्र फडणवीस को। इस साइड से राष्ट्रवादी कांग्रेस में से निकल गए अजीत दादा, वो भी ज्वाइन कर लिए बीजेपी को। और फिर इन्होंने मिलकर अपनी एक मस्त सरकार बना ली, बोले एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जितना भी कारस्थान हुआ इससे मोदी गवर्नमेंट जो सिलेक्ट की उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मोदी जी बैठे हैं पार्लियामेंट में। इससे फर्क पड़ा हमारे सिर्फ राज्य के विधानसभा और विधान परिषद को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बैठते हैं विधानसभा विधान परिषद में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कभी भी आपने देखना दो इलेक्शंस होते हैं, अभी 2024 में जो अप्रैल में इलेक्शन होगा अप्रैल मई में, उसमें आप वापस मोदी सरकार के लिए वोट करने वाले हो या अपोजिशन के लिए, जो देश की सरकार बनेगी, जो किसकी सरकार बनेगी देश की। और इमीडिएटली उसके बाद इसी साल के दिसंबर तक के अक्टूबर नवंबर में एक और इलेक्शन आएगा जिसमें वापस से आपको राज्य की सरकार का चीफ मिनिस्टर चूज करना पड़ेगा। इट इज अ टू टायर सिस्टम, देश की सरकार चूज करो राज्य की सरकार चूज करो, दो टायर के ऊपर मस्त गाड़ी चलती जाएगी, एक दूसरे का सुनता दूसरा पहले का नहीं सुनता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले एक बार सुनो। सो तुम वापस बोलो, प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठते उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और चीफ मिनिस्टर जहां पे बैठते उसे क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पार्लियामेंट में जो बैठते हैं उन्हें कहा जाता है एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और उन्हें हिंदी में कहा जाता है खासदार। समझ में आ रहा है? हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? खास। जो चीफ मिनिस्टर इलेक्शन में बैठते हैं उन्हें कहा जाता है एमएलएज। आपने सुना होगा कि वो 40 एमएलएज बाहर लेके निकल गए एकनाथ शिंदे जी, 40 एमएलएज बाहर निकल गए बीजेपी के साथ मिल गए, तो उन्हें कहा जाता है एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्यार से बोला जाता है आमदार, हिंदी में बोलते हैं विधायक, चीचा विधायक है हमारे। सुना है ये डायलॉग? बोलो हाँ या ना। उन्हें क्या कहते हैं? विधायक। Are you understanding the politics? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो मोदी जी कहां बैठते हैं? बोले एक बार पार्लियामेंट में। और चीफ मिनिस्टर कहां बैठते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मोदी जी डिसाइड करेंगे देश के लिए लॉज, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी पूरे देश के लिए लॉज। बोलो हाँ या ना। और चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की टीम डिसाइड करेगी राज्य के लिए लॉज। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? बोलो और जोर से बोलो। तो अब सुनिए मैजिक नंबर्स, अब सुनिए क्या नंबर्स? मैजिक नंबर, बहुत गौर से सुनिएगा। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों लॉ और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्यों मैं इतना प्रपंचा दिए जा रहा हूं मोदी जी का और मिनिस्ट्री का। लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 545। वापस से बोलिए कितने होते हैं? और जोर से बोले कितने होते हैं? ये 550 तक भी हो सकते हैं, फिलहाल 545 है। फिलहाल कितने हैं? 545, जिसमें से 543 इलेक्शन से चूज होते हैं,
जो अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है ना, उसमें 543 चूज करेंगे, 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, 140 करोड़ बिल के 543 लोगों को सिलेक्ट करेगी। और जो दो बचे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। व्हाट इज एंग्लो इंडियंस? एंग्लो इंडियन मतलब जब ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के गए 1947 में, तो बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग इंडिया में स्थलांतरण करके रहने का डिसीजन ले लिए। मतलब कुछ ब्रिटिश फैमिलीज, कुछ पुर्तगाल फैमिलीज, कुछ प्रशियन फैमिलीज, कुछ फारसी फैमिलीज, कुछ मुस्लिम फैमिलीज या गल्फ फैमिलीज, ये बहुत सारे दूसरे देशों के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया में ही रहेंगे, मेनली गल्फ्स वाले और मेनली फारसीज वाले, मेनली ब्रिटिशर्स वाले और मेनली पुर्तगाल्स वाले, बिकॉज पुर्तगाल्स ने गोवा पे भी राज किया है। बोलो हाँ है ना। तो इनको ये इनसिक्योरिटी थी कि भाई साहब हम इस देश में रहेंगे तो हमारे साथ अन्याय ना हो। अब इंडिया में ऑलरेडी इंडियन हिंदूज, इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस, इनका अलग एक कैटेगरी था। मैं ये कैटेगरी छोड़ के उन फैमिलीज की बात कर रहा हूं जो दूसरे देशों से इंडिया में स्थलांतरण करके आए प्री इंडिपेंडेंस एरा में, और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यही रहेंगे। इन फैमिलीज को इनसिक्योरिटी थी कि भाई साहब हम इंडिया में रहेंगे तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। तो फिर प्रावधान डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से दो मेंबर्स हमेशा विल वर्क एज अ एंग्लो इंडियन विच विल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ये स्थलांतरण किए हुए फैमिलीज के लिए। वो अभी भी उन्हीं के लिए वर्क करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? और जो 543 है वो 543 आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय 140 करोड़ पीपल। कितने करोड़ पीपल? बोले एक बार 140। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोले एक बार यस और नो। अरे जोर से यस और नो। आइडिया क्लियर है? अब बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपको इंडिया में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनानी है, स्पष्ट बहुमत वाली, यू वॉन्ट योर गवर्नमेंट शुड बी देयर, तो किसी भी एक पार्टी के 273 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने चाहिए। बेसिकली 272 ही बोल लो, बिकॉज 543 में से दो तो फिक्स है, तो 272 भी आ गए तो भी चलेगा, बिकॉज 543 में से 272 स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के लिए इजी है। एग्जैक्टली हाफ प्लस वन, एग्जैक्टली हाफ प्लस वन, राउंड अप टू द वन भी चलेगा। सो 272 ने बोलना चाहिए, 543 में से 272 एक ही पार्टी के आने चाहिए। अगर ये 272 एक पार्टी के आए तो आपकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। बहुत गौर देना, इधर उधर जो भटक रहे, नींद वींद जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर। दिस इज कॉल्ड एज केवल एक बार मैजिक नंबर। पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जिस नंबर के थ्रू इंडिया में लॉ पास किया जाता है। पार्लियामेंट में किसी भी लॉ को रखने के बाद अगर उसके प्रति 272 फेवरेबल वोट्स मिलते हैं तो वो इंडिया में एक्ट बन जाता है। तो तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ये सबके लिए 272 वोट्स इसेंशियल थे जो पास हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले सर नो। और अब देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशन का लॉ के ऊपर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है कि देश का चेहरा मोहरा चेंज हो जाए। बहुत अच्छे से ध्यान देना, 2014 के इलेक्शन में जब मोदी सरकार पहली बार चुन के आई थी, फर्स्ट टाइम जब ये चुन के आए थे, तो इफ यू डोंट नो, मोदी सरकार प्लस अलाइड पार्टीज जिनको एनडीए कहा जाता है, एग्जिट पोल में जब पप्पा के साथ बैठे होंगे तो पहली बार सुना होगा कि एनडीए को 305 सीटें मिली, पहली बार सुना होगा। बोलो हाँ है ना। और तुम सोच रहे होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का क्या लेना देना यहां पे। बोलो हाँ है ना। तो एनडीए इज एक्चुअली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच मींस बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज, विच मींस बीजेपी प्लस क्या बोले एक बार, अलाइड रीजनल पार्टीज। जैसे महाराष्ट्र के लिए बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे गट प्लस अजीत पवार गट, ये मिलके बनता है एनडीए। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे प्लस अजीत पवार गट मिलके क्या बनता है, बोले एक बार, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी प्रकार पहले यूपीए एग्जिस्ट करता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो था कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। जैसे 2019-20 के इलेक्शन में कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस वॉज कॉल्ड एज यूपीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना।
जो पूरा यूपीए अभी इंडी में कन्वर्ट हो गया है। इंडिया सुना है सबने, बोलो हाँ या ना, टुकड़े टुकड़े सरकार, बोलो सुनो एवरीबडी, बोलो हाँ या ना। अब आप समझिएगा 2014 के इलेक्शन में एनडीए 305 सीटें स्पष्ट बहुमत से लेके आया, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे लॉज बनाए, धनाधन धनाधन खत्म। ये नंबर 2019 में इलेक्शन में, ये 2014 का नंबर है 305, 2019 में 305 सीट यही आई, पर बीजेपी पार्टी को इंडिविजुअली अदर अलाइड पार्टीज को ज्वाइन करके 355 सीटें, 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से 355 पूरे बीजेपी और एनडीए के। पार्लियामेंट का नजारा अगर आप कभी देखोगे तो ऐसा दिखता है एनडीए और ऐसा दिखता है अपोजिशन। अपोजिशन आई नहीं, काहे का अपोजिशन, जो लीडर है वो क्या बोलता है उसको ही नहीं समझ में आता। सो ऐसा एनडीए, तुम पार्लियामेंट देख लो, ऐसा एनडीए इतना बड़ा। और आपको खास बात बताओ, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, वो भी इतने सारे सीट्स के आने की वजह से, क्या फर्क गिर सकता है? What can happen? Article 370 सिर्फ टेबल बजा के उड़ा दिया, वोट भी नहीं किया। स्पीकर बोले आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने का, बोले धड़ 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 गायब, एंड। उसके ऊपर मूवी निकला है अभी। दूसरा मैं आपको बोलता हूं, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, धड़ 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 गायब। अब ये वोट भी नहीं करते, स्पीकर पूछता भी नहीं है, स्पीकर लेफ्ट साइड देखता भी नहीं है, इधर ही टेबल का इतना सारा आवाज आ जाता है जीवन में ना। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है, पूछो क्या, गवर्नमेंट जोश में आ गया ना भाई। आपको बताओ 2020 का 19 में इलेक्शन हुए, बीजेपी सरकार आई 355 सीट के साथ, बोलो हाँ या ना, इतने जोश में आ गए। 2020 का पार्लियामेंट्री सेशन देखना था कोविड के पहले का, 125% इफिशियंसी पे चल रहा था, 125%, जो नॉर्मली पिछले 70 साल से 60-70% इफिशियंसी पे लॉ पास कर रहे थे ना, कि भैया 100 रखे तो 60 पास कर लेंगे, इन्होंने 100 रखे 125 पास किए। वो बनाने वाला परेशान हो गया, अरे क्या क्या फैक्ट्री है क्या, 125 पूरे 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, 125% इफिशियंसी। इतने जोश में आ गए कि प्रधानमंत्री ने 4 कृषि कानून भी पास कर लिए जोश में। फिर आपने देखना हो, कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था पंजाब में, 2-3 कार फार्मर्स मारे गए और वापस से मोदी जी को टीवी पे आके वापस लेने पड़े कि नहीं 4 कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। ये ज्यादा जोश में आना हो जाता है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। सर आपके डिस्कशन से समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके फेवर में हो। मैं बिल्कुल किसी पे बिलीव नहीं करता और मैं सबको वोट करता हूं, क्योंकि मेरा एक बहुत सिंपल फंडा, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना। बट ठीक है, देश का हाल देखते हुए फिलहाल ऐसा लग रहा है जो गवर्नमेंट चल रही है कोई बुरी नहीं है, ठीक है। पर मैं ये भी चाहता हूं कि इसके खिलाफ स्ट्रांग अपोजिशन चाहे तो गवर्नमेंट के ऊपर चेक रहता है। अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं रहा तो इंडिया का चाइना बनने में समय नहीं लगेगा। चाइना इज टोटल कम्युनिस्ट पार्टी, वहां तो भाई साहब चाइना इतना खतरनाक है कि वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया वो गायब कर देते हैं, गायब गायब। जैक मा अलीबाबा मोस्ट इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की रिटेल चेन अमेज़न के साथ में, उसका फाउंडर जैक मा, दुनिया की सेकंड नंबर की रिटेल चेन विच इज इन टफ कॉम्पिटिशन विद अमेज़न, उसका पावर क्या होगा वो बंदे का? उसने एक स्टेटमेंट दिया चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ने उसको 4 महीने के लिए गायब कर दिया, गाई लिटर, नो मीडिया, नथिंग, जीरो, किसी को दिखा भी नहीं, किधर लेके गए, क्या धुनी पिलाई। उसके बाद में जब वापस आया पॉलिटिकल चीजों पे कमेंट नहीं करता भाई, करता ही नहीं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसके बाद वो कभी जीवन में, रिपोर्ट आया तो 4 कदम दूर से ही भाग जाता वो। हाँ, तो ऐसी कंट्री बनने में समय नहीं लगेगा, देयर नीड्स अ अपोजिशन। प्रधानमंत्री स्ट्रांग होना चाहिए जो है, नो डाउट है, पर अपोजिशन भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कंट्री थोड़ा बैलेंस चलता है, ठीक है। बट वॉट एवर इज गोइंग, इट्स गुड, इकोनॉमी $3 trillion पे पहुंचने वाली है, गुड थिंग, अच्छे खासे रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज बने हैं, वो आदमी तो अलग लेवल पे चल रहा है, थैंक गॉड महाराष्ट्र से है नितिन गडकरी जी, मोस्ट प्रोडक्टिव मंत्रालय में। आपको पता है इंडिया ने चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऑलरेडी सरपास कर लिया है लास्ट ईयर। डू यू बिलीव
चाइनीज जैसे टेक्नोलॉजी वालों को हमने रोड्स और कंस्ट्रक्शंस में सरपास कर लिया है, हमारा अगला टारगेट यूएस है। और नितिन गडकरी जी ने बोल दिया है कि 2025 एंड तक हम यूएस को भी खत्म कर देंगे। ये आदमी ऐसे बांधे जा रहा है, एक आध हाईवे मेरे छाती पर से निकालेगा। वो सिर्फ टाइम बोले जा रहा है भाई, और वेरी गुड थिंग, मेरे को बहुत अप्रिसिएशन है ऐसे लोगों का। चांदनी चौक देखा पुणे का, कहां से घुसोगे कहां से निकलोगे किसी को नहीं पता, मैप लेके चलना पड़ता, गूगल भी कंफ्यूज है कि इतने रोड बांध रहा है वो। एंड दैट इज अ गुड थिंग। वो सिर्फ डिक्लेयर करते जाता है, मुंबई से बैंगलोर 6 घंटा, मुंबई से पुणे 1 घंटा। वो अतल सेतु बांधा जो मुंबई जाने के लिए 5-6 घंटा लगता था, 2.5 घंटे में तुम CST पहुंच जाते हो। अरे तू सिर्फ बोल रहा है भाई मुंबई से दिल्ली 2.5 घंटा 2 घंटा, अरे कार की भी कोई स्पीड होती है ना। अरे तूने हाईवे बांध दिया तो क्या 2 घंटे में पहुंच जाए, वो कार को क्या भगा, क्या पीछे से क्या हेलीकॉप्टर आके लेके आएगा क्या? वो रोड बांधता नहीं है भाई, वो मैप रखता है, मैप के ऊपर स्केल रखता है। मुंबई से लेके नागपुर बाला साहेब ठाकरे समृद्ध महामार्ग स्केल रखा, लाइन मारी, बोले बीच में जो जो आ रहा सब उड़ा दो। ऐसा स्ट्रेट रोड है वो, वहां मिनिमम मैक्सिमम स्पीड वो 120 बोलते हैं, लोग मिनिमम स्पीड 120 पे बड़ी गाड़ी भगा रहे हैं वहां पे। पहले साल में ओवर स्पीडिंग के समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे ने 4 करोड़ के टिकट काटे, 4 करोड़, नियरली 50-60 किलोमीटर का रोड फ्री हो गया उनका। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव मिनिस्ट्री, कि रुक ही नहीं रहा। उन्होंने कितने का सैंक्शन लिया है पता है इस साल के लिए रोड बनाने का 2024 का? 5 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ का सैंक्शन लिया है मिनिस्ट्री से कि मैं इस साल के एंड लग 5 लाख करोड़ रुपए का, 5 लाख करोड़, 0 कितने समझ में आ रहा तुमको? 12 0, 5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे। अरे कैलाश मानसरोवर पे हाईवे डाल दूंगा बोल रहा है। आपको पता है इससे फायदा क्या है? पाक ऑक्यूपाइड चाइना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर तक हमारे पास स्ट्रेट हाईवेज है। आप सोचो इंडिया का डिफेंस कितना स्ट्रांग है, इसलिए सब वो चुपचाप बैठे हैं। अभी उनको मालूम है कि ये यहां तक पहुंच गए, बॉर्डर पे ही गाड़ी लगा के रखते हैं कि कुछ भी तोड़ा तो सीधा मिसाइल आता है बोले अंदर। हाँ ये हाल है, तो ऐसे ही पाकिस्तान शांत नहीं बैठा है भाई। पहले हमको हमारे सोल्जर्स को 3-3 दिन 4-4 दिन बर्फ में, 3-3 दिन 4-4 दिन भैया रेगिस्तान में चल चल के बॉर्डर्स पे पहुंचना पड़ता था। ये आदमी ने स्ट्रेट 4 लेन के हाईवे डाले है, विच इज अ गुड थिंग। सामने वाला का हक्का बक्का रह गया ना। पहले चाइना वाले इंडियन सोल्जर्स पे आके अटैक किया करते थे बॉर्डर से घुस के, अभी घुसते ही नहीं है क्योंकि हमारे भी रोड वहां तक है। उनको तो ये डर है नितिन गडकरी चाइना में रोड ना बना दे। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव गवर्नमेंट। ये मिनिस्ट्री मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 355 सीटें लगातार एक 2019 मिनिस्ट्री में होने के वजह से, 2019 में 355 सीटें एट अ स्ट्रेच होने के वजह से गवर्नमेंट तगड़े डिसीजन ले पाई 370, 35A, CAA ऐसे वाले जो प्रक्षोभक डिसीजन है। और इस बार तो वो बोल रहे हैं 400 पार कर जाएंगे, सबको नीचे ही बिठा दो ना। नाउ इमेजिन 400 सीट्स पार करेंगे, तो ऑलरेडी मोदी ने बोल के रखा है कि अगर हमने एक अच्छा खासा डिजिट ले लिया तो मैं अगले 100 से 200 साल इवन 1000 साल तक का प्रोविजन करके रखूंगा इंडिया के लिए। यह है विजन, दिस इज कॉल्ड विजन। बट ऑब्वियसली विजन में कोई ड्रॉबैक्स है, उसको निकालने के लिए थोड़ा अपोजिशन भी स्ट्रांग चाहिए। सो ड्रॉबैक्स भी समझ में आनी चाहिए। बैलेंस्ड सरकार हमेशा अच्छी होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोले एक बार ये सुन ना। तो 545 में से 272 सीट्स जिस पार्टी की आएगी वो पार्टी सरकार बनाएगी, और यही वो मैजिक नंबर है जो नंबर के थ्रू लॉ पास होता है। जो नंबर के थ्रू क्या पास होता है? लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसीलिए कहा जाता है जिसकी सरकार उसके रूल्स, जिसकी सरकार उसके रूल्स। और इसी वजह से आपके सभी लॉस 272 वोट्स के सिवा पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकते। ये तो लोकसभा हुआ, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं।
जिसमें से आपको 123 का अप्रूवल लगता है। कितनों का अप्रूवल लगता है? 123। एक बार लोकसभा के 272 ने हाँ बोला, एक बार राज्यसभा के 123 ने हाँ बोला, फिर यह चीज दोनों हाउसेस से निकल के बनती है एक्ट। क्या बनती है? बोले एक बार जो से एक्ट, और फिर यह जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? बोले एक बार जो से प्रेसिडेंट। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? द्रौपदी मुर्मू जी, याद है सबको? अरे देश के आजाद नागरिक को मालूम है नहीं है क्या खास बात है प्रेसिडेंट के अभी के? She belongs from tribal community and she has done a marvelous work for the protection of tribal communities. आपको पता है जेल गया हुआ बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है? जेल गया हुआ बंदा, क्रिमिनल बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है, अलाउड है इंडिया में। आपको शायद नहीं पता, इंदिरा गांधी ने 1973 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो बीजेपी के जितने भी पंत प्रधान अभी आपको दिख रहे वो सब जेल में थे। लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जो डिफेंस मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब इंक्लूडिंग मोदी जी भी, दोज आर ऑल, पर उस वक्त मोदी जी पिक्चर में नहीं थे। सो ये सब को उठा के इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, बट स्टिल दे आर प्राइम मिनिस्टर्स, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। सो जेल गया हुआ बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पर प्रेसिडेंट बनने के लिए दामन में कोई दाग नहीं चाहिए। आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते अगर आपको किसी अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस भी इशू किया है तो। फॉर एग्जांपल, तुमने रिटर्न्स विटर्न्स ठीक से नहीं भरे, इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक असेसमेंट मार दिया शो कॉज नोटिस पे, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो ऑनर होता है कि इट इज ऑनरेबल पोस्ट। आपने देखना बाकी देशों में प्रेसिडेंट को लेके ही नाचते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन, बोलो हाँ या ना? इंडिया में प्रेसिडेंट का इतना रूल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का रूल है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार यस नो। हम प्रेसिडेंट सिर्फ बहुत अच्छे एस्टीम्ड वाले पर्सन को ही इंडिया में बनाते हैं, और सभी प्रेसिडेंट देख लो, इसके पहले के एवरी सिंगल पर्सन यू टेक, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटिल जी, प्रतिभाताई पाटिल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी बिलोंग्स फ्रॉम माई सिटी अमरावती, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ये बात अलग है वो मेरे को नहीं जानते। सो कौन बोले एक बार जो से प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का आपको क्या लगेगा? बोले एक बार अप्रूवल। स्टेट लेजिस्लेचर में ये पावर जाता है गवर्नर के पास। किसके पास? बोले एक बार जो से गवर्नर। पर स्टेट लेजिस्लेचर में अगेन मेजोरिटी। अब हम इंडिया में 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटोरीज है, 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दो नंबर इधर उधर। सो इंडिया में मेजोरिटी, क्या बोले एक बार उसे मेजोरिटी, स्टेट अप्रूवल जब मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तब जाके वो स्टेट के लिए एक्ट बन जाता है 28 स्टेट्स के लिए। यूनियन टेरिटोरीज में नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्ट बनाता है, कुछ यूनियन टेरिटोरीज की भी खुद की असेंबली हो सकती है। इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटोरीज ऐसे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खुद की असेंबली लेके चलते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पौंडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दीज प्रोबेबली, हाँ मैं गलत भी हो सकता हूं इस मामले में, बिकॉज यूनियन टेरिटोरीज के नॉर्मली कंट्रोल्स चेंज होते रहते हैं कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर घूमते रहता है वो, तो मुझे ऐसा लगता है ये दो जगह पे आपको असेंबली मिल सकता है, यूनियन टेरिटोरियल असेंबली, तो वो भी स्टेट के थ्रू ही लॉ पास करता है स्टेट जैसा ही। ये दोनों होने के बाद में ये जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्यपत्र, जिसको प्यार से ओजेड कहा जाता है, दिस गोज टू ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट, अगेन प्यार से ओजेड कहा जाता है, और यहां पे डिक्लेयर किया जाता है कि लॉ किस तरीके से पास हुआ है और कौन से दिन से कितने सेक्शन अप्लाई होंगे। दिस इज द प्रोसेस टू पास द लॉ इन इंडिया, और ये छोड़ के इंडिया में कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं है। आप कोई भी लॉ ले लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप नए बनाने हैं, अगर कंपनीज एक्ट, सीबीसी, क्राफेमा, कंपटीशन, बैंक, इंश्योरेंस, आईडीए, सरफेसिया, फैक्ट्रीज, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वर्कमैन्स कंपेंसेशन, बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेटुटी, एनी डैम एक्ट यू टेक, सभी के सभी इसी प्रोसेस से गए हैं और इसके बाद में भी इसी प्रोसेस से जाएंगे, बिकॉज ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और प्रोबेबली अगले 70-80 साल तक तो कभी चेंज नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोलो यस और नो। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि पॉलिटिकल सिस्टम एंड लॉ के सिस्टम आप इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट टू कंट्रोल द नेशन, दे हैव टू मेक द रूल्स एंड रूल्स विल बी यूज टू कंट्रोल द नेशंस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार यस और नो। सबको समझ में आया पक्का? अब इस चीज को लिखना कैसे है, आ जाइए एक पेज लीजिए फ्रेश वाला नया,
उसको बीच में से फोल्ड करके डिवाइड कर लीजिए, बीच में से फोल्ड करके डिवाइड कर लीजिए। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया कि जलूल बोलिए, लाइव स्ट्रीम में जलूल बोलिए, जलूल। एवरीबडी अंडरस्टूड प्लीज टेल मी, लाइव स्ट्रीम में कमेंट करके बोलिएगा। अरे गाइस रेडी, थक गए क्या यार, भूख लग गई यार, छोड़ दो। सो प्रोसेस टू पास थी लॉ, प्रोसेस टू पास द लॉ, दो प्रोसेस। पहला प्रोसेस है सेंट्रल और दूसरा प्रोसेस है स्टेट। पहला प्रोसेस क्या है बोले एक बार, सेंट्रल, और दूसरा प्रोसेस क्या है बोले एक बार, स्टेट। दो पार्ट्स किए हैं आपने, सेंटर की लाइन के ऊपर लिखिएगा ड्राफ्टिंग। सेंटर की लाइन पे ड्राफ्टिंग, सॉरी ड्राफ्टिंग सेंट्रल प्रोसेस में इसे कहा जाता है सेंट्रल बिल, स्टेट में कहा जाता है स्टेट बिल। बिल लॉ पास करने के पहले, एक्ट लॉ पास करने के बाद, देन इट्स इंट्रोडक्शन। ड्राफ्टिंग के बाद सेंट्रल लाइन पे लिखिएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एट पार्लियामेंट, इंट्रोडक्शन एट स्टेट लेजिस्लेचर। इंट्रोडक्शन के बाद में थर्ड स्टेप पब्लिक कमेंट्स, पब्लिक ओपिनियंस। इंट्रोडक्शन में रीडिंग ऑलरेडी आ गया, सो आपको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। इंडियन पब्लिक, स्टेट पब्लिक, पब्लिक ओपिनियंस के बाद में कमिटीज, अप्रूवल ऑफ कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज, नेशनल इंटरनेशनल कमिटीज, नॉर्मली यहां होता है स्टेट और नेशनल कमिटीज। फिर उसके बाद में पासिंग, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, मेजॉरिटी वोट, मेजॉरिटी वोट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेजॉरिटी वोट, मेजॉरिटी वोट। पढ़ लिया सबने, लिखा क्या, दोनों जगह पे पास होने के बाद अप्रूवल ऑफ फर्स्ट पर्सन, बचपन में सिविक्स में पढ़ा होगा ना, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलो हाँ या ना, एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसके बाद में डिक्लेरेशन, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल
गजट ऑफ स्टेट, फुल स्टॉप। लीव लगा, डन एवरीबडी, जोर से बोलो यस और नो, समझ में आया पक्का सबको, बोलो हाँ आया ना, ओके। सो यहां पे आपका प्रोसेस टू पास द लॉ इन इंडिया होता है खाता। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों सबको, जोर से बोलो एक बार यस और नो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नीचे डिक्टेट करता हूं, लिख लीजिए प्लीज, उसी चार्ट के नीचे लिखा तो भी चलेगा, फ्रेश पेज की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। स्टार मार्क करके पॉइंट नंबर वन लिखना, एनी पर्सन कैन ड्राफ्ट द बिल, एनी पर्सन कैन ड्राफ्ट द बिल, एनी पर्सन कैन ड्राफ्ट द बिल। पॉइंट नंबर टू, For emergency laws, there can be joint sessions. For emergency laws, there can be joint sessions. मतलब दोनों houses एक साथ बैठ सकते हैं. For emergency law, there can be joint sessions. दोनों houses एक साथ बैठ सकते हैं. Point number three. Out of 543, 272 votes are required. Out of 543, 272 votes are required to establish a government. 272 votes are required to establish a government or pass the law. Or pass the law. लिखा सबने, उसी में कंटिन्यू, मेजॉरिटी वोट्स रिक्वायर्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर, मेजॉरिटी वोट्स रिक्वायर्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। फुल स्टॉप, लिखा सबने। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट एनी लॉ, प्रेसिडेंट और गवर्नर लिखना, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन रिजेक्ट एनी लॉ ओनली वन टाइम, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन रिजेक्ट एनी लॉ ओनली वन टाइम, इज कॉल्ड एज वेटो पावर, इज कॉल्ड एज वेटो पावर। फुल स्टॉप। यहां पे आपका लॉ पास करने का प्रोसेस होता है खाता। सबको समझ में आया पक्का बच्चों, एवरीबडी अंडरस्टूड वेल, बोलो हाँ या ना, चलो फाइन। आज के लिए हम यहां स्टॉप करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बोलो जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।